गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज करेंगे एनसीईआरटी की इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट। ठीक है, तो देखो इसमें ना कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ने हैं। वैसे तो इसमें ना प्रूफ पूछते नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी प्रूफ करना चाहते हो, हमने यूट्यूब पे पहले भी प्रूफ करवाए हुए हैं, तो प्रूफ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, हमने 10 बार प्रूफ कराए हुए हैं इसके। तो पहला आप इसको फॉर्मूला ही बोल लो, अगर आपके 1/x² + a² हो तो इसका फॉर्मूला याद रखना है 1/a tan inverse x/a + c। दूसरा अगर आपके ऐसा हो 1/x² - a² इसका फॉर्मूला याद रखना है 1/2a log x - a upon x + c। ठीक है, तीसरा अगर आपके पास हो 1/a² - x² तो इसका याद रखना है 1/2a log a + x upon a - x + c। ठीक है, चौथा अगर आपके पास हो 1/√a² - x² तो इसका फॉर्मूला याद रखना है sin inverse x/a + c। ठीक है, हम प्रूफ में नहीं पढ़ रहे हैं, प्रूफ नहीं पूछते हैं, प्रूफ नहीं पूछते हैं, फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो यूट्यूब पे पहले से पढ़ाया हुआ हमने सबको। ठीक है, पांचवा अगर आपके पास हो 1/x² + a² तो इसका याद रखना है log x + √x² + a² + c। और आखिरी अगर आपके पास हो 1/√x² - a² तो इसका याद रखना है log x + √x² - a² + c। एक बार इसको लिख लो, फिर इन पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले हैं जो आपको इस पूरी एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। तो देखो जरा इसके ऊपर पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 3x² upon x6 + 1, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो आप इसको ऐसा लिखो 3x² x6 को ऐसा लिख सकते हैं x³² + 1 का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x² होती है। तो अब एक्स क्यूब को टी ले लो, टी ले लो एक्स क्यूब को, तो इसकी डिफरेंशिएशन करो dt/dx, एक्स क्यूब की हो जाएगी 3x² dx को यहां ले आओ, तो dt हो जाएगा 3x² dx। ये वैल्यू इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो। देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है, 3x² dx, इसकी जगह लिखो dt और x क्यूब को t लिया, ये बना t² + 1 का स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला बन गया, पहला वाला फॉर्मूला 1/x² + a² इसका फॉर्मूला बनाया 1/a tan inverse x/a + c। अब यहां पे ये अप्लाई करो तो ये बनेगा 1/1 tan inverse t/1 + c। यहां पे t की वैल्यू x³, तो ये बनेगा tan inverse x³ + c। देखो इसको एक बार यहां तक, फिर अगला करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया है, 1/√1 + 4x² इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, अब इसको ऐसा लिखो 1 का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो 1/√a² + x² इसका फॉर्मूला है log x प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये बनेगा लॉग एक्स, एक्स यहां पे 2x है, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस। और फिर आपको एक चीज और करनी है, जैसे यहां पे x का कोफिशियंट ना 1 है, यहां पे x का कोफिशियंट 2 है, मतलब यहां पे ना आपको 2x को डिफरेंशिएट करना है, 2x की डिफरेंशिएशन 2 होती है, तो उसको डिवाइड पे लिखना भूलना नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना, 2 भी लिख लेना एक बार, समझ गए। चलो अगला देखो, नेक्स्ट थर्ड, 1 अपॉन 1 रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको ना ऐसा लिख दो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा था, लॉग एक्स, एक्स की जगह 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और अपॉन में 2 माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन, 2 माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस 1, तो अपॉन में माइनस 1 लिखना भूलना नहीं, तो ये बना माइनस लॉग 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये तीसरा भी कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ, 1 अपॉन रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिखो, 9 को लिखो 3 का स्क्वायर, 25 एक्स स्क्वायर को लिखो 5 एक्स का स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए 5x बाय 3, और फिर आपको 5x को डिफरेंशिएट करना है, 5x की डिफरेंशिएशन 5 होती है, तो अपॉन में 5 भी लिख देना, तो ये बनेगा 1 बाय 5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, फिफ्थ 3x अपॉन 1 प्लस 2x रेज़ टू पावर 4, इसमें क्या करो, इसको करने के लिए पहले तो 3 को बाहर रखो, इसको अब ऐसे लिखो 2x स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, ऐसा लिखा, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होती है, पर यहां पे x है, तो क्यों ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, समझ आया, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होती है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, अब क्या करो, x स्क्वायर को t ले लो, ये बनेगा dt इक्वल टू 2x dx, तो आपका आंसर आए, सॉल्व करो पहले, 3 बाय 2, देखो 2x dx, 2x dx हो गया dt, इसको लिखो, इसको लिख दो 1 का स्क्वायर, 2 x स्क्वायर को t लिया, ये बना t स्क्वायर, आप इसको लिखो इस तरीके से 3 बाय 2 1 अपॉन 1 स्क्वायर, इसको भी a स्क्वायर बनाओ, इसको लिखो रूट 2 रूट t का स्क्वायर, ऐसा लिख दो, और इस पे फॉर्मूला लगा लो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 बाय ए, ए 1 है टैन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स यहां पे ये और ए आपका 1 है, फिर आपको ना इसको भी डिफरेंशिएट करना है, रूट टू टी को, रूट टू टी की डिफरेंशिएशन रूट टू, तो इस इनटू रूट टू भी कर देना डिवाइड में, तो आंसर हो जाएगा टी बाय रूट टू टैन इनवर्स टी की वैल्यू, टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर,
देखो जी इसको, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स 6, इसको लिखो 1 का स्क्वायर, एक्स 6 को लिखो एक्स क्यूब का स्क्वायर, है ना। एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, पर यहां पे x स्क्वायर है तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, एक्स क्यूब को टी ले लो, ये बनेगा 3x² dx। तो देखो क्या बनेगा, 1/3 3x² dx की जगह dt, 1 का स्क्वायर, एक्स क्यूब को टी लिया, टी का स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, 1/a² - x² की इंटीग्रेशन, 1/2a log a plus x upon a minus x, तो 1/2a, a 1 है, log a plus x, a 1 x t upon a minus x plus c, और यहां पे t की वैल्यू, ये बना 1/6, t क्या है, t x cube है, तो log 1 plus x cube अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन टी की जगह एक्स क्यूब लिखा। देखो इसको यहां पे, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको क्या करो अलग अलग करो, एक्स अपॉन इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे, इनके इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दो। देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला, इस पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, 1/x² - a², इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन 2x होती है, तो आप इसको t ले लो, इसको t लेके और ये डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या करो, t इक्वल टू √x² - 1, स्क्वेयरिंग कर दो, t² = x² - 1, इसको डिफरेंशिएट, 2t dt/dx विच इज इक्वल टू 2x, t dt = x dx, तो ये बन जाएगा। देखो सबसे पहले x dx की जगह लिखो t dt, और हमने √x² - 1 को t लिया, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला 1/√x² - a², इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a, गलत बोल रहा, इसका ये फॉर्मूला होता है log x प्लस √x² - a². सेम फॉर्मूला लगा दो, बस a की जगह यहां पे देखो, a की जगह 1, सेम लगा के a की जगह 1 डाल दो, log x प्लस √x² - 1 का स्क्वायर, ये tt कैंसिल, dt की t हो जाएगी, और यहां पे t की वैल्यू डाल दो, आपके सामने √x² - 1, ये आपका आंसर हो गया। देखो इसको यहां तक, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
अब देखो नेक्स्ट एट्थ, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रूट एक्स सिक्स प्लस ए सिक्स, इसको क्या करो, इसको आप लिखो एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको लिखो एक्स क्यूब का स्क्वायर, ए क्यूब का स्क्वायर, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब को टी ले लो, ठीक है, थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लो, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा डी टी इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वैल्यू इंटीग्रल में डाल दो, देखो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी जगह डी टी, एक्स क्यूब को टी लिया, टी स्क्वायर, ए क्यूब को टी, ए क्यूब सॉरी वही रहेगा, ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया वन बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी लगाया था ना वन बाय, चलो लिख लो इसको दोबारा लिख लो, वन बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वन बाय थ्री लॉग एक्स, एक्स यहां पे टी हो गया, प्लस यही सेम लिख दो, सेम रूट वाला सेम लिख दो, टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, और यहां पे टी की वैल्यू एक्स क्यूब, तो ये बना वन बाय थ्री लॉग एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए सिक्स, एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स सिक्स लिख दो, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखो नाइन्थ, सीकेंट स्क्वायर एक्स टैन स्क्वायर एक्स प्लस फोर, इसमें क्या था, एक्स को टी ले लो, इक्वल टू टैन एक्स, टैन एक्स की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो टी ले लो, ये बनेगा डी टी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, डी एक्स को यहां ले आओ, डी टी हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये वैल्यू इंटीग्रल में रिप्लेस करो, देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी जगह लिखो डी टी, tan x की जगह लिखो t, t square plus 4, इसको लिखो 1 upon t square plus 2 का square, देखो यही फॉर्मूला बन गया वापस, सेम फॉर्मूला लगा दो, तो ये बनेगा log t plus root t square plus 2 square, अब यहां पे t की वैल्यू, दिया टैन एक्स, ये बनेगा टैन स्क्वायर एक्स प्लस फोर प्लस, ये लो जी ये भी कंप्लीट हो, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट टाइप, अब इसके बाद अब नेक्स्ट टाइप ले लो स्पेशल इंटीग्रल, ये अभी फिलहाल हम इसको साइड पे कर देते हैं, अब हम नई टाइप आपको पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है स्पेशल इंटीग्रल, ठीक है, अगर आपके कभी भी इस टाइप का इंटीग्रल आ जाए वन अपॉन क्वाड्रेटिक या वन अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक, देख लो इसको पहचान लो, क्योंकि पेपर में दो दो तीन तीन नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर में दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस साल भी पेपर में पूछा गया, पिछले साल भी पूछा गया, अगर आपको वन अपॉन क्वाड्रेटिक दिखे या वन अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक दिखे तो आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है,
क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर, आपने क्लास 10th में पढ़ा था। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस पे कौन सा मेथड लगाना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जिसको आप परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हो। मतलब जैसे ये, जैसे मान लो कुछ ऐसा कि अगर मान लो आपके ये दिए इक्वेशन, अब मान लो आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आप इसको ऐसा लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस टू, है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ यहां पे भी ऐसा ही करना है, जैसे यहां बताया वैसे यहां करना है। ठीक है, इसको उतार लो क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। देख लो इसको यहां तक, तो वापिस आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, टू को लिख दो वन प्लस वन, लिख सकते हैं। तो ये बन गया ना फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और इस वन को लिख दो वन का स्क्वायर, है ना। और यहां पे ये फॉर्मूला वापस लगा दो वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बनेगा वन बाय लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा लॉग एक्स प्लस एक्स, यहां पे एक्स प्लस वन है, ये एक्स है ये ए है, एक्स की जगह एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, बस हो गया। ठीक है, काफी सिंपल था। तो ये बन गया लॉग एक्स प्लस वन, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। देखो इसको यहां तक, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाओ वन अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इसको लिखो थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस, इसको लिखो टू ए बी, टू इंटू थ्री एक्स इंटू वन। देखो ध्यान से ए स्क्वायर, ये रुक जाओ हम आपको ना पूरा प्रॉपर मेथड बता देते हैं, ऐसे आसान रहेगा क्योंकि हर क्वेश्चन में ना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। देखो सबसे आसान मेथड क्या है कि जो एक्स का एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वन बनाओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन बनाओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट नाइन है, इसको वन बनाना है आपको, तो नाइन कॉमन निकाल लो। याद रखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन होना चाहिए, एक ही मैथड आपको बताते हैं, बार बार आपको झंझट ही नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर इसके नीचे नाइन से डिवाइड कर लो और इसके नीचे भी नाइन से डिवाइड कर लो, समझ आया कि नहीं आया। देखो इसकी पहचान क्या, वन अपॉन क्वाड्रेटिक होगी, वन अपॉन क्वाड्रेटिक, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे नाइन नाइन कैंसिल सिक्स सिक्स बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फाइव बचेगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना है आपने, ये नाइन बाहर एक्स स्क्वायर ये बनेगा टू बाई थ्री। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन, दूसरा स्टेप एक्स का कोफिशियंट कितना है यहां पे टू बाई थ्री, टू बाई थ्री का हाफ कर लो, टू बाई थ्री का आधा, जैसे फोर का आधा कितना होता है, फोर का आधा दो होता है, तो दो से डिवाइड किया तो इसको भी दो से डिवाइड कर लो, तो दो से डिवाइड करोगे तो वन बाई थ्री। अब आपने क्या करना है, ये वन बाई थ्री यहां इस ये वन बाई थ्री का ना स्क्वायर कर दो और ये स्क्वायर यहां पे ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, और पीछे बचा आपके पास फाइव अपॉन नाइन, ये लिख दो फाइव अपॉन नाइन यहां पे,
ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ये बन गया 1/9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर, और पीछे ये दो नंबर बचे। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 1/9 प्लस 5/9 ये बन जाएगा 4/9, 4/9 को लिख दो 2/3 का स्क्वायर, और इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कौन सा फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस a स्क्वायर, ये बनेगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, इस पे ये अप्लाई करो तो 1/a, देखो ये x है ये a है, ये x ये a, तो 1/a 1/2/3 tan इनवर्स x by a, ये x ये a, x प्लस 1/3 अपॉन 2/3, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको, ये बनेगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2। देखो जी अब देखो अगला, 1/√7 − 6x − x², तो सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव बनाओ, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट माइनस है तो माइनस कॉमन निकालो, ये प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। अगला स्टेप, अगले स्टेप में क्या करो, यहां पे देखो एक्स का कोफिशियंट क्या, एक्स के कोफिशियंट का हाफ, एक्स का कोफिशियंट है 6, 6 का हाफ करो, 6 का आधा 3 हो जाए, और 3 का स्क्वायर ऐड कर दो, 3 का स्क्वायर ऐड करो और सबट्रैक्ट कर दो, और पीछे बचा -7। ठीक है, ऐसा बन गया। ये देखो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ये बना x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बचा −9 − 7 − 16, अब अगला स्टेप क्या करो, इस माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस को इससे, माइनस को इससे, ये प्लस हो जाएगा, पहले लिखो 16 और इसको लिखो ये माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, 16 को लिख दो 4 का स्क्वायर, और इस पे फॉर्मूला लगा दो 1/√a² − x², इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये बनेगा x by a, x plus 3 by 4 plus, देखो जी इसको, ये भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, ये होमवर्क करना, इसको मल्टीप्लाई करते ना, ये बन जाएगा x² − 3x + 2, ठीक है, फिर इसमें 3 का हाफ कर देना, 3/2 का हाफ कर देना, इसका आधा, इसका स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट, फिर ये बन जाएगा x − 3/2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा −9/4 + 2, ये बनेगा −1/4 −1/2 का स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर लेना इस पर। नेक्स्ट ये होमवर्क करना आपको। अब देखो 15 x माइनस से इंटू एक्स माइनस बी, इसको पहले मल्टीप्लाई करो,
ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, है ना, यही मल्टीप्लाई करके बनेगा, इन दोनों में माइनस कॉमन, ये बनेगा ए प्लस बी प्लस ए बी, ये ऐसा बन गया। अब यहां पे क्या करो, एक्स का कोफिशियंट देखो क्या, यहां पे एक्स का कोफिशियंट है ए प्लस बी, ए प्लस बी का आधा कर दो, आधा मतलब टू से डिवाइड, और फिर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो इसका स्क्वायर ऐड किया और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, और पीछे बचा प्लस ए बी, ये बन गया, और ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। तो ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब चेक कर लो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, यही बनेगा, आप देख लेना, और पीछे बची ये दो टर्म्स, इसको खोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी अपॉन में टू का स्क्वायर फोर प्लस ए बी, इसका एलसीएम लो, ये बनेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस फोर ए बी, है ना। अब इसको लिखो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बनेगा प्लस टू ए बी अपॉन फोर, इसमें से माइनस कॉमन, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन फोर, इसको लिख दो ए माइनस बी अपॉन टू का स्क्वायर। चेक करो ये, इसको ओपन करोगे यही बनेगा, तो यहां लिखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस पे फॉर्मूला लगा दो, हमारे पास फॉर्मूला वन बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ये x है ये a है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बनेगा log x, x की जगह x माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही सेम लिख दो, ये पूरा सेम लिख दो, यही सेम यहां लिख दो, x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस। अब इसको सॉल्व कर लो, बस आ गया आंसर एक्स माइनस ए प्लस बी बाय टू प्लस, इसको सॉल्व करोगे ना ओपन करोगे ये बनेगा, सॉल्व करने के बाद यही बनेगा, चेक कर लो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, अब चेक कर सकते हो। चलो जी देखो अब आज का आखिरी क्वेश्चन, पहले तो इसको देख लो फिर आखिरी क्वेश्चन कराएंगे आज का, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है, नीचे वाले को टी ले लो, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन ऊपर वाली है, चेक कर लो, इसकी डिफरेंशिएशन 4x, x की 1, 3 की 0, ये तो सिंपल है, डिनोमिनेटर वाले को टी ले लो, टी इक्वल टू रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, तो ये बनेगा टी स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, इसकी डिफरेंशिएशन टू टी डी टी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस वन, डी एक्स को यहां ले जाओ, तो ये बनेगा फोर एक्स प्लस वन डी एक्स,
ये वैल्यू इंटीग्रल में डाल दो, तो देखो 4x प्लस 1 dx क्या बना 2t dt, और रूट वाले को, रूट वाले को t लिया, तो ये tt कैंसिल, ये बनेगा 2t प्लस c, और यहां पे t की वैल्यू ये दिया रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस। इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 17 है, पहले तो एक बार इसको देख लो, ये होमवर्क करना है आपको, सेम है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, जो आज का क्वेश्चन किया ना क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, आप देख लो यहां पे प्लस 2 है उसमें माइनस 1 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। देख लो यहां माइनस 1 है और वहां पे प्लस 2 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन देख लो, और आंसर भी सेम आएगा, बस 1 की जगह 2 आएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करवाएंगे कल, तो तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, गुड नाइट।